सुजानगढ़ में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुजानगढ़ में एक के बाद एक पिछले 7 दिनों में चोरी की 5वीं वारदात सामने आई है, जिससे साफ जाहिर है कि पुलिस की गश्त कमजोर है और चोरों का इकबाल बुलंद है। बुधवार की रात चोरों ने रेलवे फाटक संख्या 1 के पास स्थित कुसुम देवी पारीक के सूने मकान को निशाना बनाया है। कुसुम देवी के भाई मुकेश तिवारी ने बताया कि उनकी बहन के घर में एक सदस्य को कोविड होने के कारण मेरी बहन व उनकी दोनों बेटियां बीकानेर स्थित PBM गए हुए हैं और पिछले 1 माह से वहीं हैं। सूने मकान को रोज संभालने का काम रतनलाल माली करते हैं। रतनलाल माली ने बताया कि गुरुवार को सुबह जब मैं रोज की तरह आया तो मकान के अंदर कमरों के ताले टूटे मिले और सामान बिखरा मिला। फिलहाल चोरी में कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी मकान मालिक के बीकानेर से आने पर ही पता चल पाएगी। सूचना मिलने पर पुलिस थाने के ASI रामनिवास ने मय जाप्ते के मौका मुआयना कर सबूत एकत्र किए। पुलिस आगामी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करेगी। मुकेश तिवारी ने बताया कि इससे पिछले वर्षों में भी इसी मकान में 3 बार चोरी की वारदात हो चुकी है। ये मेरी बहन का मकान है और वो 1 महीने से बीकानेर है, क्योंकि एक लड़की की तबीयत खराब है कोविड होने की वजह से, वो 1 महीने से बीकानेर है। और सुबह रतनलाल जी माली जो है वो मकान की देख रेख करते हैं, सुबह वो आए तो उन्होंने देखा सबसे पहले और फिर उन्होंने सूचना दी कि चोरी हो गई है। 4 कमरे हैं, उनके ताले टूटे हुए थे, तो फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी आई, मौका मुआयना किया और उन्होंने रिपोर्ट बनाई। बाकी तो क्या नुकसान हुआ है और हुआ है वो तो सिस्टर मेरी बहन आने के बाद पता चलेगा, उनको पूछेंगे क्या हुआ है क्या नहीं, तो बाकी बाद में पता चलेगा। हाँ, मकान में ये 4थी बार चोरी हुई है, पहले 3 बार हो चुकी, बाकी ये 4थी बार है। प्रशासन से मांग यही है कि इस तरह से जो चोरियाँ हो रही है उन पर अंकुश लगना चाहिए और थोड़ी होना चाहिए। वार्ड नंबर 2 के पार्षद विजय बटेसर ने प्रशासन से चोरियों पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए कहा है कि अगर जल्द ही चोरियां नहीं रुकी तो आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ेगा। मैं कुसुम देवी पारीक के मकान में कल रात को चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है चोरों द्वारा। घर के जो सदस्य हैं वो कोविड के चलते बीकानेर है पिछले कई दिनों से। मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि चोरों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो भी पूरे सुजानगढ़ क्षेत्र में चोरियां हो रही है उनका खुलासा जल्द से जल्द किया जाए। अगर प्रशासन इस मामले में ढील का बर्ताव करती है तो आने वाले दिनों में हमारे द्वारा प्रदर्शन किया जा सकता है।